हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीन कुछ यूँ है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी भावलपुर में और हमारा यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा फ्री हॉस्टल रहने से अच्छा इतने अच्छे मौसम में बाहर ही जाया जाए। बस फिर मैं और मारिया रवाना हो गए। इस बीच हमारा पॉइंट तक मिस हो गया जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, और पॉइंट तो आपको पता है इन्होंने स्पेशल सेमेस्टर तो लगा दिया है लेकिन पॉइंट इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए हैं। यूनी पहुँच के इतनी मज़े की हवा चल रही थी, वैसे भी आजकल बारिशों का कोई पता नहीं चलता, कभी भी हो जाती हैं। मैं और मारिया यूनिवर्सिटी आ गए हैं लेकिन सायरा घर है। हाँ जी मारिया, सायरा के पे मिस कर रहे हैं। सायरा जी, सायरा हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इतने मज़े का मौसम है, टॉप क्लास है। जल्दी से आ जाएं, बस बहुत आपने हड्डियाँ तोड़ ली घर में फ्री रह के। बहुत बस बहुत है, हमें भी याद आ रही है। टाइम से आ जाओ, हम जलील हो रहे हैं। तुम भी अकेले घर में रेस्ट करो, तुम भी हमारे साथ जलील हो। क्लास में हम लोग कोई 15 का स्टूडेंट्स आए होंगे। सर ने क्लास लेने के बजाय कहा कि आए हम आप लोगों को पॉन्ड का विज़िट करवाते हैं जहाँ पर हम लोगों ने फिशेस वगैरह ग्रो करनी है, तो हम लोग उसे देखने चले गए। सर अब्दुल गफ़ार का लेक्चर था इस सेमेस्टर में, हमें हमारे HOD ने भी पढ़ाने हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नाइस टीचर हैं। मैं पर्सनली उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और बस फिर हमारी क्लास चल पड़ी। आज क्लास का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। कैंटीन वगैरह तो हमारी वैसे ही बंद होती है, पता नहीं समर सेमेस्टर में इन्होंने हर चीज़ बंद कर देनी है, बट स्टूडेंट्स को बंद नहीं करना। पॉन्ड पर पहुंच के हमें पता चला कि ये न्यू चीज़ वहाँ पर बनी है, कोई फूड अथॉरिटी वगैरह वाला कोई चीज़ है तो वो बनी है। पॉन्ड हमें आज टोटली चेंज लग रहा है क्योंकि हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट को आंधी और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आलमोस्ट 18 लाख के करीब या उससे शायद ज़्यादा ही सर राउंड अबाउट कुछ बता रहे थे कि नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी प्लेटें बहुत ज़्यादा टूट गई हैं। शायद जूलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही बेचारा थका हुआ सा है, उसके ऊपर और जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह करे ये नेमत ही साबित हो, कोई अच्छा लिखा हुआ अल्लाह ताला ने इसमें। ये देखें, ये टूटी हुई प्लेटें हैं। फिर हमने CR को मना ही लिया कि हमें कोई ट्रीट दें, हमें पता चले कि आप हमारी क्लास के CR बने हैं। फिर बहुत ही मिनटों के बाद आखिर हमारा CR मान गया और ये चीज़ उरवा लेके आई थी, म्यूज़िक। बड़ा मज़ा आया, हम ये सुनते ही गए हैं सारे रास्ते। और जो पॉइंट हमने डिसाइड किया था वो सैयद दा डेरा था, और इतना ऑसम इन्वायरमेंट था उसका, इतने मज़े के खाने थे, मतलब बहुत ही लेवल की चॉइस हमने की थी, बल्कि हमारे CR ने की थी। हमारा CR जा रहा है और हम इसके पीछे सारे। एंड देन फाइनली हम लोग पहुंच के, ये स्टार्ट से ही अमेजिंग और अमेज्ड कर रहा था हमें। और फिर इंटर हुए हम लोग, इतना मज़े का सैयद दा डेरा रेस्टोरेंट की फीलिंग्स थी, डेरे वाली ही फीलिंग आ रही थी। बाहर सिटिंग अरेंजमेंट भी थी, अंदर भी थी। पहले हम बाहर बैठे लेकिन बाहर जो था बारिश की वजह से भीग रहे थे, फिर हम लोग अंदर चले गए। अंदर भी हमने कोई 3 बार चेंजिंग की ही है फिर हम लोगों को जगह मिली है। और ऑर्डर में हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, इसके अलावा फ्राइज़ कहना था मैंने, फ्राइज़ मंगाए थे और कोल्ड ड्रिंक्स थी। उसके अलावा कुछ बच्चों ने डिफरेंट भी किया था, मज़ा आया हमें बहुत ज़्यादा। क्लास ने गपशप भी फुल लगाई एंड देन फिर हम वापसी हो गए। जब भी कहीं बहुत ज़्यादा इंजॉय करके आए तो उसका वापसी का सफ़र जो होता है वो सबसे ज़्यादा उदास होता है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और सफ़र पर मुझे एक पोइट्री याद आ गई, कुछ सफ़र सीज़त लम्बा था, कुछ हम ही थोड़ा सुस्त चले, कुछ हम ही अपने दुश्मन थे, कुछ दुश्मन हमको बहुत मिले, कुछ हम मंजिल को भूल गए, कुछ रास्ते हमको सख्त मिले। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।